हेलो एवरीवन, ब्राज फ्यूचर सीचर क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज लेक्चर 22 हम सीडीपी का पढ़ेंगे, जिसमें सीडीपी का बाल विकास का यूनिट वन सिलेबस जो है, यूनिट वन का हम टॉपिक 13 पढ़ेंगे, विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। तो विविध पृष्ठभूमि से तात्पर्य यहाँ पे कि हमारे समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ विभिन्न वर्ग समुदाय जाति के लोग रहते हैं, जो जैसे कि जिनके जो निर्धन परिवार से हो, गरीब परिवार से हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, या अत्यंत पिछड़ा जाति हो, या पिछड़ा जाति हो, ये सभी वर्ग के समुदाय के लोग हमारे समाज में रहते हैं। और इन समान वर्ग से समान वर्ग जो होते हैं, उनकी अपेक्षा जो होती है, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजाति और जनजाति का जो साक्षरता दर जो होता है, वह काफ़ी कम पाया जाता है सामान्य वर्ग की अपेक्षा। तो यहाँ पर हम जानेंगे, अगला पॉइंट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा होता है सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, मतलब कि समाज में विभिन्न वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं, उनका आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति अलग अलग होता है, और विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से वो अलग अलग स्तर से आते हैं, तो उन सभी को समान शिक्षा देना और समान बच्चे के साथ देना अनिवार्य है। चाहे जैसे कि कोई अगर विकलांग बच्चा है, या मानसिक या शारीरिक रूप से, तो उसको भी समान बच्चों के साथ ही शिक्षा देना अनिवार्य है समावेशी शिक्षा में। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, निर्धन या अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, या अनुसूचित जाति को, जनजाति के बच्चे को समान बच्चों के साथ समावेशी शिक्षा दी जाती है। समावेशन उसी को कहा जाता है, तो सभी के साथ जो है समान शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है, इसको समावेशन कहा जाता है। चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय का हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो बच्चा, उसे समान बच्चों के साथ उसको शिक्षा दिया जाता है। अगर विकलांग भी हो तब भी उसको भी समान शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। समावेशन, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है यही, सभी बच्चों को, वर्ग समुदाय के बच्चों को एक समान शिक्षा उपलब्ध कराना ही समावेशी शिक्षा होता है। उसके बाद है समावेशी शिक्षा की विशेषता है, विविधता को बढ़ावा देता है। विविधता को बढ़ावा का मतलब होता है, इस समाज में विभिन्न वर्ग समुदाय के लोग आते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, उन सभी को एक साथ एक समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। अगला है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा उपलब्ध कराता है। ऐसा कि अभी हम बात किए थे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, ऐसे कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चा क्या होते हैं, जो शारीरिक या मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं, उनके लिए जो है सो विशेष आवश्यकता समान बच्चों के साथ शिक्षा का आवश्यकता शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। आगे है, सभी स्तर के बच्चों को समान अवसर देता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी स्तर का बच्चा हो, चाहे निर्धन हो, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, या जनजाति का हो, महादलित वर्ग से हो, किसी भी वर्ग हो, चाहे निर्धन वर्ग हो, किसी वर्ग के बच्चे हो, किसी स्तर का बच्चा हो, समुदाय का बच्चा हो, सभी को समान अवसर दिया जाता है। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक स्तर का महत्व नहीं होता है। जरूरी नहीं कि सामाजिक आर्थिक स्तर जिसका महत्व इसलिए नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक रूप से जो मजबूत होंगे वही बच्चा आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। अगर सामाजिक आर्थिक रूप से जो स्ट्रांग नहीं भी होगा, वो भी बच्चा आगे बढ़ सकता है, अगर उसे उचित वातावरण, उचित परिवेश और उचित व्यवस्था दिया जाए शिक्षा के क्षेत्र में। आगे है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध दूसरे समान बच्चों के साथ करना। जैसे कि अभी भी हम इसी चीज़ के बारे में, ऐसे विशेष रूप से, अगर विशेष रूप से जैसे कोई बालक जो विकलांग है, या मानसिक या शारीरिक रूप से, उसके बारे में भी शिक्षा का जो प्रबंध है समान बच्चों के साथ करना चाहिए, ना कि उसको अलग या निश्चित भावना से देखना चाहिए। आगे है, इसका उद्देश्य असमर्थ बालक को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर विकास करना। इससे असमर्थ बालक से तात्पर्य है, जैसे कोई बच्चा है निर्धन परिवार से है, आर्थिक रूप से कमजोर है, या अनुसूचित जनजाति से, बटर पिछड़ा वर्ग से, या बिलोंग्स करता है, जो अपने पारिवारिक आर्थिक कमजोरी के कारण, कमी के कारण शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाता है, या शिक्षा नहीं ले पाता है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक भूमि का विकास से जोड़कर, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से उसको जोड़कर उसको हम विकास कर सकते हैं, उसके उसको जो है विकसित कर सकते हैं, उसको अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगला, असमर्थ बालकों को समस्या का पता लगाकर हल करना।
अगला पॉइंट है ऐसे असमर्थ बालक है, अगर वो बच्चा अगर असमर्थ है पढ़ने में लिखने में या विद्यालय जाने में किसी रूप से, मानसिक रूप से असमर्थ हो या शारीरिक रूप से असमर्थ हो या किसी निर्धनता के कारण जो है बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा, आवश्यकता की कमी के कारण, तो बच्चे को समस्या का पता लगा कि समस्या क्या है, किस समस्या के कारण जो है बच्चा आज के डेट में विद्यालय नहीं जा रहा है, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहा है, उस समस्या का पता लगाएंगे, उस समस्या का निदान करेंगे। अलगा है बालकों को उत्साहित और प्रोत्साहित करना, शिक्षा के प्राप्ति करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित और उत्साहित करना ताकि बच्चा शिक्षण को सरल और सरल समझे और उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो। आगे आते हैं निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा। सबसे पहले हम जानेंगे निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे एवं उनकी शिक्षा। निर्धन सबसे पहले होता है कि निर्धन और पिछड़े वर्ग का सबसे पहले होता है जरूरत, जो मूल आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान जो होता है, उसके अलावा होता है शिक्षा। रोटी कपड़ा जो मूल, रोटी कपड़ा मकान जो मनुष्य का जो मूल आवश्यकता होता है, उसके अलावा एक मूल आवश्यकता शिक्षा भी होता है व्यक्ति का। जो सबसे पहले बच्चे का होता है क्या, निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे का होता है कि सबसे पहले जो होता है उसका जो सबसे पहले सबसे भोजन का प्रबंध नहीं होता ठीक से, तो बच्चा पढ़ेगा क्या। तो इसमें क्या होता है आज के डेट में तो हम देखते हैं शिक्षा का राष्ट्रीय एजुकेशन जो होता है आर टी एजुकेशन में 0 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त निर्वाह शिक्षा की व्यवस्था की गई ताकि बच्चा जो है पढ़ सके, शिक्षा ले सके। और अत्यंत पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जो है सो मुफ्त में किताब के लिए पोशाक राशि, अन्य बहुत सारी राशि, मध्याह्न भोजन आदि जो है सो स्कीम चलाया गया ताकि बच्चे जो है प्रलोभन के द्वारा, लालच के द्वारा जो है सो, और गार्जियन भी लालच के द्वारा बच्चे को स्कूल भेजे और बच्चा भी पढ़े, लेकिन इसका असर अभी तक कुछ नहीं दिख पाया। तो आज जो है आपको विभिन्न पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान का टॉपिक जो है सो 13 का कुछ भाग हम आज डिलीट कर दिया और कुछ भाग अगले वीडियो में डिलीट करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।